मोटर वर्ल्ड एक्सपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंपैरिजन वीडियो हंटर 350 और टीवीएस रॉनिन के बीच। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हंटर 350 की स्पेसिफिकेशंस के साथ। हंटर 350 एक क्रूजर स्टाइल की मोटरसाइकिल है जिसका व्हील बेस काफ़ी शॉर्ट है। ये काफ़ी लाइट वेट बाइक है और ये काफ़ी एजाइल है, तो ये चलाने में काफ़ी ईजी है और इसकी परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। ये आपको सिंगल और डुअल टोन ग्राफिक्स के साथ मिलती है। आगे जो इसमें हेडलाइट का सेटअप दिया गया है वो आपका हैलोजन बल्ब लगा हुआ है। टेल लाइट में आपको एलईडी मिल जाती है। टर्न सिग्नल इसमें बल्ब के दिए हुए हैं। बात करें अगर हम इसके फ्रंट सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको इसमें 41mm के सस्पेंशन मिलते हैं 130mm ट्रेवल के साथ। रियर में आपको 20mm एमल्शन शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं 90mm ट्रेवल के साथ। बात करें अगर हम इसके टायर्स के बारे में, तो इसमें आपको आगे पीछे दोनों ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। फ्रंट में आपको 110x70 का टायर मिलता है 17 इंचेस का। रियर में आपको 140x70 का 17 इंचेस का ही टायर मिलता है। इसमें आपको एलॉयज के ऑप्शन भी मिलते हैं। मेट्रो और रेट्रो ऑप्शन में आपको जो है स्पोक्स मिलेंगे, और अगर आपको एलॉयज चाहिए तो आपको इसके लिए मेट्रो और रेबल मेट्रो के वेरियंट को चूज़ करना होगा। बात करें अगर हम इसके कलर ऑप्शंस के बारे में, तो इसमें आपको 8 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। फैक्ट्री ब्लैक, फैक्ट्री सिल्वर, रेबल ब्लैक, रेबल रेड, डेपर ग्रे, रेबल ब्लू, डेपर एश और डेपर वाइट। अगर हम वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं अभी, जैसे रॉयल एनफील्ड हंटर 350 मेट्रो, रेट्रो और मेट्रो रेबल। मेट्रो रेबल इसका जो है टॉप वेरियंट है और इसमें आपको सारे के सारे फीचर्स इंक्लूडेड मिलते हैं। चेसिस इसमें जो दिए गए हैं वो आपके ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम के दिए गए हैं। ये आपकी चेन ड्राइव में आती है। अगर हम बात करें इसके फ्रंट ब्रेक के लिए, तो इसमें दोनों ही आपको फ्रंट में और रियर में डिस्क मिलती है। फ्रंट की जो डिस्क है वो 300mm की आती है। रियर की डिस्क इसकी 270mm की आती है और दोनों में ही आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन भी मिलता है। टॉप स्पीड की अगर हम बात करें तो ये आपकी 114 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेती है। और अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें, तो इसकी हाइट 1055mm की है, लेंथ इसकी 2055mm की है और विड्थ इसकी 800mm की है। अगर हम इसकी सैडल हाइट की बात करें तो ये 790mm की है, जो कि काफ़ी इजीली बना देती है। शॉर्ट राइडर्स के लिए भी इसको राइड करना काफ़ी इजी हो जाता है। और अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो एक 150mm की है, जो कि थोड़ी सी डाउन साइड पे है, थोड़ी सी कम है, क्योंकि इंडिया जैसी रोड्स पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स होते हैं और गड्ढे होते हैं, या इसको अगर ऑफ रोडिंग पे भी लेके जाते हैं तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इस केस में। लेकिन फिर भी ये आपकी बाइक काफ़ी अच्छी है और इसको अगर आप परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये आपको कभी निराश नहीं करेगी। अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये आपको 181 kg की मिलती है। आइए अब हम बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसमें आपको 349.34 cc का एयर कूल्ड जय इंजन मिला है, जिसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक और सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट का इंजन मिलता है। इसमें आपको 20.4 bhp के पावर मिलती है और 27 Nm का इसमें टॉर्क मिलता है एट 4000 rpm। ये आपकी 5 स्पीड गियर सेटअप के साथ आती है। जो फ्यूल टैंक है इसमें वो 13 लीटर्स का दिया गया है, और जिससे आप इजीली 36.2 kmpl की माइलेज अचीव कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी स्पीड की, तो इसमें आपको 0 to 80 करने में 9.16 सेकेंड लगेंगे, 0 to 100 अचीव करने में आपको इसमें 16.40 सेकेंड्स लगेंगे। इसमें जो स्पीडोमीटर दिया गया है, आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। आपको जो आपका जो रेट्रो मॉडल है उसमें आपको एनालॉग स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, लेकिन जो आपका रेबल और रेबल मेट्रो मॉडल है उसमें आपको डिजिटल प्लस एनालॉग स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। और अगर हम उसके फीचर्स की बात करें, तो उसमें आपको नेविगेशन, सर्विस ड्यू इंडिकेटर, डिजिटल ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गॉज और डिजिटल टैकोमीटर मिल जाएगा। और मार्केट में अगर हम देखेंगे तो जो इसका अभी करंट कंपटीशन है वो TVS रॉनिन के साथ है। तो TVS रॉनिन की स्पेसिफिकेशन भी अभी हम आपको जल्दी बताने वाले हैं इसी वीडियो में। तो लास्टली जो हंटर 350 की प्राइस है वो 1.50 से लेके 1.72 lakhs है एक्स शोरूम दिल्ली में। तो अगर आप इस बाइक को देखना चाहते हैं तो आप किसी भी नियरेस्ट रॉयल इनफील्ड शोरूम पर विजिट करके इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और टेस्ट राइड ले सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं TVS रॉनिन के बारे में। TVS रॉनिन जो कि एक काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटर है रॉयल इनफील्ड हंटर 350 का। TVS रॉनिन जो है मिक्स है रेट्रो क्रूजर और रोडस्टर स्टाइल का, और ये काफ़ी एजाइल बाइक है, काफ़ी लाइट वेट मोटरसाइकिल है। ये TVS की पहली ऐसी बाइक है जिसमें इन्होंने एक क्रूजर स्टेटमेंट को डिफाइन किया है। ये आपको सिंगल और डुअल टोन ग्राफिक्स के साथ मिलती है।
आगे जो इसमें हेडलाइट का सेटअप दिया गया है वो एलईडी दिया गया है, टेल लैंप्स में भी आपको एलईडी सेटअप मिलता है, इसके जो टर्न सिग्नल्स हैं वो भी आपको एलईडी मिलते हैं, प्लस इसमें आपको डीआरएल्स भी मिलते हैं जो कि आपको हंटर 350 में देखने को नहीं मिलते। फ्रंट सस्पेंशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं जो कि 41mm के सस्पेंशन के साथ आते हैं। रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है विद 7 स्टेप एडजस्टेबल प्री लोड सस्पेंशन। अगर हम बात करें इसके टायर्स की तो इसके टायर्स आपको ट्यूबलेस मिलते हैं। फ्रंट में आपको 110x70 का 17 इंचेस का टायर मिलता है, रियर में आपको 130x70 17 इंचेस का टायर मिलता है। इसमें आपको अलॉयज का ऑप्शन मिलता है। अगर हम इसके कलर्स की बात करेंगे तो ये आपको 6 कलर्स में अवेलेबल है, लाइटनिंग ब्लैक, स्टार ग्लेज ब्लैक, गैलेक्टिक ग्रे, डेल्टा ब्लू, मैग्मा रेड, डाउन ऑरेंज। बात करें अगर हम इसके वेरिएंट्स की तो इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, टीवीएस रॉनिन सिंगल टोन सिंगल चैनल एबीएस के साथ, टीवीएस रॉनिन डुअल टोन सिंगल चैनल एबीएस के साथ और टीवीएस रॉनिन ट्रिपल टोन डुअल चैनल एबीएस के साथ। चेसिस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको डबल क्रिडल स्प्रिट सिंक्रो स्टिफ फ्रेम मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है और काफ़ी ज़्यादा एजाइल है। टॉप स्पीड अचीव भी कर लेंगे तो भी ये बाइक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है हाईवेज पे एंड रोड्स पे। ये बाइक भी चेन ड्राइव में आती है लेकिन इसमें जो है एक चेन कवर ऐसा दिया गया है कि आपको बेल्ट ड्राइव बाइक लगेगी लेकिन इसके अंदर चेन है और ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी चेन है। और अगर हम बात करें इसके फ्रंट ब्रेक में आपको 300mm की डिस्क मिलती है और जो इसकी रियर ब्रेक है उसमें आपको 240mm की डिस्क मिलती है। ये आपको दोनों ऑप्शंस में मिलती है, सिंगल चैनल एबीएस और डुअल चैनल एबीएस। तो प्रेफरेंस आपकी है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको सिंगल चैनल एबीएस की तरफ जाना है या डुअल चैनल एबीएस की तरफ जाना है। टॉप स्पीड की अगर हम बात करें तो ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेती है। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। इसकी हाइट 1170mm की है, लेंथ इसकी 2040mm की है और इसकी जो विड्थ है वो 805mm की है। अगर हम बात करें इसकी सैडल हाइट की तो वो 795mm की है और ग्राउंड क्लियरेंस इसका 181mm का है। तो इसमें ये तो श्योर है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हंटर 350 से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो जाएगी ऑफ रोडिंग के लिए और इंडियन रोड्स की कंडीशंस को भी ये काफ़ी अच्छे से टैकल कर सकती है। और 795mm की सीट हाइट होने के कारण अगर शॉर्ट राइडर भी हैं या राइडर जिनकी हाइट 5'4" या 5'5" भी है वो भी इसको बहुत ईजीली राइड कर सकते हैं। अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये 160 केजीज की है तो ये काफ़ी लाइट वेट हो जाती है और इसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो पावर टू वेट रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसमें आपको 225.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला इंजन मिलता है। इसमें आपको 19.93 Nm का टॉर्क मिलता है एट 3050 RPM पे। ये आपके 5 गियर सेटअप के साथ आती है। इसमें जो फ्यूल टैंक दिया गया है वो 14 लीटर का दिया गया है जिसे आप इजीली 42.95 KMPL की माइलेज निकाल सकते हैं। ये बाइक आपकी 0-80 8.09 सेकंड्स में करती है, 0-100 ये आपकी 14.59 सेकंड्स में करती है। अगर हम हंटर 350 से इसके डिजिटल मीटर को कंपेयर करेंगे तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है सारे मॉडल्स में। इसमें आपका स्मार्ट एक्स कनेक्ट का ऑप्शन है, इसमें आपका वॉइस असिस्ट का ऑप्शन है, ABS मोड्स आपको इसमें मिल जाते हैं, रेन एंड अर्बन मोड आपको इसमें मिल जाते हैं, गियर शिफ्ट असिस्ट आपको इसमें मिलता है, साइड स्टैंड इंडिकेशन आपको इसमें मिलता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी की इन्फॉर्मेशन ये आपको देता है। इसमें आपको 2 trip meter मिल जाते हैं। इसमें आपको GTT टेक्नोलॉजी मिलती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक। इसमें आपकी बाइक जो है बंद नहीं होती, वो अगर आप उसकी स्पीड नहीं भी देते हैं तो वो धीरे धीरे अपना चलती रहती है। इसमें आपको हजार्ड लाइट्स भी मिलती हैं। इसकी जो प्राइस है वो है 1.49 से लेके 1.71 lakhs एक्स शोरूम दिल्ली। तो अगर आप इस बाइक को देखना चाहते हैं या इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट TVS शोरूम पर जाके इसको देख सकते हैं और जो इसका डायरेक्ट कंपटीशन है वो 100-350 के साथ है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये डिटेल सारी इसलिए बताई हैं ताकि आप एक कैलकुलेटिव डिसीजन ले सकें जब आपको अगर कोई डाउट है इन दोनों बाइक्स के बीच में कि आपको इनमें से कौन सी खरीदनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप ये सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए ही बाइक को सेलेक्ट कीजिएगा और अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हुए ही अपनी बाइक को चूज़ कीजिएगा।